एम्बुलेंसेस का आप लोगों ने एश्योरेंस दिया था, आज 5 ही फ्लैग ऑफ कर रहा है, बाकी कब आएगा सर? बाकी ऑन दी वे में है, अभी पाइप हम लोग का फर्स्ट फेज में पाइप व्हीकल है जो बेसिक लाइफ सपोर्ट का, और जो एडवांस लाइफ सपोर्ट और जो बाकी है वो आ रहे हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन सर किस टाइप से कर रहे हैं, क्योंकि कैपिटल में काफ़ी बीच में दिक्कत हुआ देखने को आया था, अभी कहाँ कहाँ दे रहे हैं सर? कैपिटल में अभी जो मिटपू का जो डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर में एक होगा, और जो हमारा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल ईटानगर जहाँ हमारा ML कॉटेज होगा वहाँ में दे रहा है, और बाकी अदर जो कोलोरियांग में कौन सा में इसे दे रहा है, और बाकी सब डिस्ट्रिक्ट में हम लोग बेसिक जो लाइफ सपोर्ट वाला सब डिस्ट्रिक्ट 25 डिस्ट्रिक्ट में दे रहे हैं। सर टेस्टिंग का फैसिलिटीज़ काफ़ी इन्हेंस हुआ, लोगों में काफ़ी खुशी है, लेकिन कहीं कहीं मैं सुनने में आया कि वो जो फीस चार्जिंग का जो मुद्दा निकल के आ रहा है, बालोकुंड वगैरह हो गया, बकरदुआ वगैरह हो गया, इस टाइप नहीं ये क्या फीस का रिक्विजिशन है आप लोगों ने फाइनलाइज किया, उसको थोड़ा बता देना चाहिए। नहीं हम लोग जब अभी जहाँ लॉकडाउन जब खत्म नहीं हुआ तब तक हम लोग फीस चार्ज करने का कुछ नहीं बोले हैं, 3 अगस्त तक हम लोग फीस चार्ज नहीं करना है, वो हम लोग ऐसा आदेश है। कहीं जो बाहर में ऐसा कुछ आप सुना है तो वो भी कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो सकता है, वो हमारा डिपार्टमेंट से हम लोग फीस अभी नहीं ले रहे। सर मोस्टली देखा गया कि हेल्थ सेक्टर में काफ़ी लोगों में क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन अभी टेस्टिंग का जो इन्हेंसमेंट किया आप लोग एंटीजन का, उसमें लोगों में संतोष जाहिर हो रहा है, तो किस टाइप से आप आगे ले जाएंगे और कितना प्रोविजन है कितना आपको टेस्टिंग करने का, क्योंकि काफ़ी लोग हैं अभी भी जो टेस्ट करने बचे हुए हैं। हम चूस्ट है, हम लोग का डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट नंबर अरुणाचल, जितना भी हम लोग स्टेट का पॉपुलेशन है उसको हम लोग टेस्ट करना चाहता है, इसलिए हम लोग सारा डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोग एंटीजन टेस्ट अभी शुरू कर रहे हैं, सिर्फ कैपिटल यहाँ ईटानगर ट्विन टाउन में नहीं बोल के सारा डिस्ट्रिक्ट में हम लोग जो एंटीजन टेस्ट के लिए सब कर रहे हैं, अभी शुरू कर रहे हैं, और आने वाला दिन में भी और करते रहेगा, और जितना हो सके हम लोग टेस्ट से ही हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। टेस्ट नहीं करने से तो आदमी किस किस का पास पॉजिटिव कैरियर है उसको हम लोग नहीं जानेगा, इसलिए हम लोग उसके हम लोग का वार्ड पुटिंग में करना जा रहे हैं। सर काफ़ी बार देखा गया है कि अपना हेल्थ वर्कर्स जो फ्रंटियर वर्कर्स है और जो कोविड पॉजिटिव हो जाता है उन लोगों का काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता है, स्पेशली हमारा हेल्थ वर्कर्स को भी काफ़ी होता है, उनके लिए पब्लिक का कुछ रिक्वेस्ट करना चाहिए, सजेस्ट करना चाहिए? हाँ इसमें एक्चुअली क्योंकि शुरू में हम लोग भी हॉस्पिटल कुछ अरेंजमेंट में प्रॉब्लम था, हम लोग जो हेल्थ वर्कर को भी अपना जो ड्यूटी काम कर रहे उसको हम लोग घर में वापस जाने नहीं देने, उसको हम लोग अपने एक सिक्योर पोजीशन में रखना चाहिए, लेकिन ऐसा हम लोग अरेंजमेंट के लिए बहुत तकलीफ था, तो इसमें हम लोग का कुछ लूप होल्स भी हुआ होगा, तो पब्लिक इसमें इतना ज़्यादा ये होने का जरूरत नहीं, क्योंकि हम ऐसे सुनने में मिलता है हमारा हेल्थ वर्कर्स जब अपना रेंट हाउस में जाने से भी वापस जाने भी नहीं देता है, और कैसे वह में दिन रात ऐसा काम करके वापस आने से भी वो उनको रिलंक्टेंट आने भी नहीं दे रहा है, ऐसा प्रॉब्लम होता है, ऐसा तो रहे, तो इसलिए मैं सबको अनुरोध करना चाहूँगा सब इस वर्क में इसी क्रिटिकल सिचुएशन में हम सब मिलकर ही काम करना है, ये बात नहीं है सिर्फ हेल्थ वर्कर ही करिए होगा, तो हेल्थ वर्कर हेल्थ को सपोर्ट करने के पब्लिक को सपोर्ट करने के लिए, तो उसको हम लोग सपोर्ट नहीं करने से वो टोटली तो उसको डिप्रेस तो होगा ही होगा, तो इसलिए उसको भी हम लोग सपोर्ट देना है सब तरफ से, फैमिली भी सपोर्ट करना है वो भी सपोर्ट करना है, लेकिन जितना हो सकेगा उसको हम लोग पब्लिक का साथ ये स्प्रेड नहीं होने के लिए उसको आइसोलेशन कैसा रखना है उसका जो हम लोग SOP हम लोग अभी कर रहे हैं। थैंक यू सर। वो ट्रिम्स ये जो अभी कोविड केयर सेंटर बना रहे हैं हम लोग लेखी में, कंप्लीट कोविड केयर सेंटर का अनाउंसमेंट हो गया कल डिप्टी कमिश्नर ईटानगर ने कहा, तो उसके लिए ऑफिसर्स कॉलोनी को शायद क्वारंटाइन फैसिलिटी आप लोग डिक्लेयर करेंगे क्या? हाँ ऑफिसर मेस को हम लोग ऑलरेडी डिसाइड किया है, वहाँ में हम लोग क्वारंटाइन सेंटर होगा। और ये मिटपू में एम्बुलेंस तो आज दे रहे हैं, मिटपू का स्टेटस क्या है सर, और MLA अपार्टमेंट का अभी क्या अपडेट क्या है सर, क्योंकि 3 सप्ताह आपने बोला था MLA अपार्टमेंट का, और 31 जुलाई है मिटपू का। हाँ मिटपू का अभी वार्ड पुटिंग में जो भी काम कर रहे हैं अभी 2-3 दिन में उसको मतलब शुरू करना है बोल के तो कर रहे हैं हम लोग का डिपार्टमेंट, और वहाँ जो MLA कॉटेज जो वहाँ में अभी न्यूवाला में जितना भी रिक्वायर्ड इक्विपमेंट फैसिलिटी वहाँ अभी इंस्टॉलेशन हो रहे हैं उसमें हम भी 8-10 दिन रह जाएगा इन काम कर रहे हैं।